नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सिंगर अभिजीत ने गुलाम अली पर किए भद्दे ट्वीट। बॉलीवुड के गायक अभिजीत ने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली पर आधी रात को बेहद भद्दे और गंदे ट्वीट किए हैं। उन्होंने गुलाम अली के अलावा मीडिया और राजनीतिज्ञों के खिलाफ भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। गुलाम अली को डेंगू कलाकार, कव्वाल और बेशर्म कहा तो मीडिया को प्रोस्टिट्यूट बताया। अभिजीत ने लिखा है कि राजनीति करने वाली पार्टियां सिर्फ भोगती है। शिवसेना के विरोध के बाद पार्टी के मुखपत्र सामना में गुलाम अली के साथ साथ पाकिस्तानी कलाकारों को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि ये सब शहीदों के बलिदान का मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के सर्वेक्षणों में जदयू राजद कांग्रेस के महागठबंधन को बहुमत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी दो सर्वेक्षणों में जदयू राजद कांग्रेस के महागठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। CNN, IBN, एक्सेस के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में महागठबंधन को बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 137 सीटें और राजद को केवल 95 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है। ITG सिसेरो के एक अन्य सर्वेक्षण में महागठबंधन को 122 और राजद को 111 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। चुनाव आयोग ने मोदी के भाषण की जांच के आदेश दिए। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंगेर में दिए गए भाषण की जांच के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं। मोदी ने गुरुवार को मुंगेर में चुनावी सभा में लालू प्रसाद यादव के लिए शैतान शब्द का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह मोदी के भाषण में शैतान और यदुवंशी शब्द की समीक्षा करेगा। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे मेरा शैतान वाला बयान दिखाए, वरना सार्वजनिक रूप से सारे बिहारियों को शैतान कहने पर तुरंत माफी मांगे।